राधे राधे आप सभी लोगों को सुख प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो सबसे पहले मैं घर की झाड़ू लगाऊंगी। तो मैं बालकनी से ही शुरुआत कर रही हूँ। कहते हैं ना कि जो मुख्य द्वार रहता है ना, वहाँ से ही झाड़ू की शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले घर के बाहर से झाड़ू लगाई जाती है। तो ये मेरे घर का फ्रंट पड़ता है और यही शुरुआत होती है। तो बस मैं यहीं से झाड़ू निकालूंगी सबसे पहले घर की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिवाली आ ही चुकी है तो आप सभी लोग भी घर की साफ सफाई में बिजी हैं, व्यस्त हैं, थक रहे हैं। तो वही हाल मेरे साथ भी है। लेकिन हाँ, मेरे आजकल ना मेरी तबीयत भी नहीं सही रह रही है, तो जिस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा काम तो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही घर में पेंट हुआ है, हो गए 3-4 महीने। तो मैंने नए सिरे से पूरा सामान लगाया था और अभी मुझे 1 साल हुआ इस घर में आए हुए, और 1 साल में मैं 2 बार तो पूरा घर ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, सारा सामान निकाल के फिर से ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ। फिर तिवारा मैंने पेंट जब हुआ पूरे घर में वाइट वॉश, तब मैंने पूरा सामान घर का निकाल के फिर से अरेंज किया, फिर से लगाया। तो अब मैं वो वाली डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी जो सामान निकालो घर की पूरी, किचन की पूरी। और किचन तो मैंने अभी नवरात में ही हाल फिलहाल में ही लगाया हुआ है। तो बस अभी मैं केवल डस्टिंग वस्टिंग वाला, दरवाज़े खिड़कियाँ और जो कवर्ड वगैरह बनी रहती हैं ना, तो उनके ऊपर जो ऊपरी हिस्सा जो रहता है ना, उनमें धूल वगैरह जम जाती है, तो बस वही सारी सफाई करूँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ में अपने मन की एक बात शेयर करना चाहूँगी। मैंने ना अपनी मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है और ये बिल्कुल फैक्ट भी है, और आप लोग जो लोग भी मेरी इस बात को सुन रहे हों, समझ रहे हों, तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैं सही कह रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में देखा है और अब तक जो होता आया है ना, उससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया है। या मैं दूसरों की भी लाइफ को देखती हूँ ना, तो दूसरों के घरों को भी देखती हूँ ना, तो मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है और समझी है कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से उठाना जानते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं और दया की भावना रखते हैं दिल में, एक दूसरे की हेल्प के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, उन लोगों की ना कोई वैल्यू नहीं होती है। और जब सामने वाले के साथ में कोई बुरा समय पड़ता है या फिर उसको ज़रूरत पड़ती है, तो जिस पे वो ज़्यादा मतलब झुकाव रहता था जिस तरफ ज़्यादा, तो उनका कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता, उनका कभी भी साथ नहीं मिलता है। लेकिन जो हमेशा करता रहता है ना, तो उसकी कभी इज्जत भी नहीं होती है। तो मैं ना काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ें देख देख के ना बड़ा परेशान सी हो गई थी। तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी, तो मैंने सोचा चलो टेंशन क्यों लेना है, मेरे पास में यूट्यूब है, आप लोग हैं, मैं अपनी सलाह मशवरा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, अपनी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी ये प्रॉब्लम भी आप लोगों के साथ में ही शेयर करूँगी। क्या सभी के साथ में ऐसा रहता है कि जो इंसान हर फ़र्ज़ बखूबी निभाना जानता है, अच्छे से सारी जिम्मेदारियाँ उठाना चाहता है, तो उसी के साथ में गलत हमेशा क्यों होता है, और जो कुछ भी नहीं करना चाहता है उसके लिए दुनिया हमेशा दबके रहती है? मुझे ना बस ऐसे ही कई दिनों से परेशान चल रही थी, तो मैंने सोचा चलिए मेरे साथ YouTube की फैमिली है, इतना ज़्यादा सपोर्ट है, मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं YouTube पे, तो आज मैं उन लोगों से ही अपने मन की बात शेयर करूँगी। और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, बस क्या रहता है ना, अपने मन की जो बातें होती ना, उनको बाहर अगर आप निकाल लीजिए, अपनी दिल से उन बातों को ख़त्म कर दीजिए ना, तो एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। और अपनी ये बात कहने के बाद मैं सच बताऊँ ना, मैं बिल्कुल अब थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, तो यहाँ देखिए बातों बातों में कोफ्ते की सारी तैयारियाँ भी लग चुकी हैं और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ कोफ्ते बनाने के लिए। तो मैं कद्दूकस करके लौकी को गई हुई थी, उसका पानी भी अच्छे से रिलीज़ हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैंने लौकी को वॉश करके यूज़ किया था, सभी लोग वॉश करके यूज़ करते हैं, तो उसका जो पानी है ना उसको मैं फेंकूँगी नहीं, उसको मैं जो कोफ्ते की ग्रेवी होगी ना उसमें यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट से सरसों के तेल में सारे कोफ्ते तल लूँगी और उसके बाद में इसका मसाला भी मैं साथ ही साथ पीस के रख लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जावित्री, थोड़ा सा काली मिर्च, लाल मिर्च सूखे वाले साबुत वाले लिए हुए हैं, प्याज है, लहसुन है, इनको मैं अच्छे से इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लूँगी। और इधर जब तक मेरे कोफ्ते बन रहे हैं उधर मैं मसाला बना के रख लूँगी। और आज मैं बिना टमाटर के कोफ्ते बनाऊँगी, क्योंकि ना मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। एक्चुअली मेरे ना स्टोन की प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझको, तो मेरी तबीयत बनती बिगड़ती रहती है। तो मैंने सोचा चलो टमाटर को बिल्कुल अवॉइड करते हैं इन दिनों, जब तक ये प्रॉब्लम है मेरे साथ में। तो
विदाउट टमाटर के आज मैं बनाऊंगी इसकी कोफ्ते की ग्रेवी। लेकिन मैं आपको सर बताऊं, जब ये कोफ्ते बन गए थे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। इसका जो ये वाला मसाला था जो मैंने टमाटर के बिना बनाया हुआ था ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। टमाटर वाला टेस्ट बन आता है लेकिन इतना नहीं जितना इसमें टेस्ट था। और मैंने इधर प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें पीसने के बाद में मैंने इसी में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च तो मैंने साबुत वाले ऐड किए हुए थे, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, तो ये सारा कुछ मैंने इसमें कर दिया है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और जो लौकी का पानी रिलीज़ हुआ था ना, मैंने वो भी इसी मसाले में ऐड कर दिया है। कलर तो उतना अच्छा शायद आप लोगों को नहीं लगा हो, लेकिन हाँ, खाने में स्वाद बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। लेकिन मुझे सब्जियों का ये कलर भी बहुत पसंद है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में जो कलर आता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्जियों का। थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा लगता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है, सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा रहता है, और ये कलर भी मुझे पसंद आता है। तो ये देखिए, हमारे कोफ्ते बन गए हैं। अब इनको 5 मिनट के लिए मैं धीमी आँच में इस तरह से छोड़ दूँगी, ताकि जो कोफ्ते हैं ना, अच्छे से ग्रेवी थोड़ी सोख लें। तो ये देखिए, कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं, और मैंने इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। फटाफट से मैं यहाँ पर चावल भी बनने को रख दूँगी, तो चावल भी बन रहे हैं, और यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आज थोड़ा जल्दी ही खाना बनाना है मुझे। तो फटाफट से प्लेट भी लगा दूँगी और रोटियाँ भी सेक लूँगी, तो आज मेरा काम ना जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। और इस तरह से आप देखिए, अब जो मेरा किचन है ना, काफ़ी अच्छा लगता है मुझको देखने में। इस तरह से एकदम दरवाज़ा खोलिए किचन का, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, एकदम बढ़िया सा चमकता हुआ किचन दिखता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, साथ ही साथ मैं रोटी भी बना रही हूँ। तो मैंने ना कोफ्ते के साथ में कोई दूसरी सब्जी नहीं बनाई हुई थी, केवल कोफ्ते बनाए हुए थे, चावल थे और रोटी थी। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तो दूध में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है, तो मैं दूध के भगोने को अलग रख दूँगी। उसके बाद में मैं यहाँ पर रोटी सेकूँगी। सबसे पहले तो मैंने गाय के लिए रोटी बना ली है, गाय की रोटी, उसमें लोई लगाऊँगी, थोड़ा सा मीठा रखूँगी। तो गाय के जब भी खाना बनाते हैं ना, तो जब भी शुरुआत करते ना, तो सबसे पहले हमेशा गाय के लिए ही जो भोजन रहता है ना, निकालना चाहिए। तो मैंने गाय का यहाँ पर भोजन निकाल दिया है, और बीच में जब कभी छूट भी जाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं पहले गाय के लिए ही निकालूं। जब कभी शायद लापरवाही में या जल्दीबाजी में रह जाता है, तो फिर मैं टल जाता है, लेकिन मेरी बराबर कोशिश रहती है कि ऐसा हो। और तो यहाँ पर मैं फटाफट से इन लोगों की प्लेट भी लगाती जाऊँगी, और साथ ही साथ में सारे बर्तन भी खाली करती जाऊँगी, क्योंकि जो हाउस हेल्पर है ना, तो उसका भी टाइम धीरे धीरे हो रहा है आने का, तो सारा काम फटाफट से ख़त्म करती जाऊँगी। तो ये रही हमारे आज की लंच प्लेट। तो देखिए, कोफ्ते हैं, रोटी है एंड राइस है। सैलेड मैंने कट नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो सीज़न आजकल का है ना, वेदर चेंज हो गया है ना, तो प्याज वगैरह नुकसान कर जाती है मुझको, तो फिर अभी मैं सैलेड वगैरह कट नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं आ गई हूँ हॉल में। तो कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे एक दिन पहले, तो कपड़े काफ़ी सारे वॉश किए हुए थे, जो ना कुछ कपड़े फैलाने को रह गए थे, तो उनको मैंने शाम में फैलाया हुआ था, तो अब वो सारे कपड़े सूख गए हैं। तो मैंने ना कपड़े उतार के सोफ़े पे रख दिए थे, तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ ये वाला काम भी निपटा दूँ, कपड़े सारे मैं अच्छे से तह लगा लूँ, और उनको मैं अलमारी में भी लगा के रख दूँ, वरना ना आप ज़रा सा भी आलस कर जाओ ना, तो पूरे दिन के लिए काम ऐसा ही पड़ा रह जाता है। तो सारे कपड़े मैं उठा के ले आई हूँ रूम में, और इनको आराम से तह लगा के रख लूँगी, और जो जहाँ पे रखने हैं उनको वहीं पर शिफ्ट कर दूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, दशहरे को कितने दिन हो चुके हैं, दशहरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरे आकर्षित के अभी रावण बनने ख़त्म नहीं हुए हैं, ना ही बंद हुए। देखिए, अब ये इनका फिर से एक नया रावण बन रहा है, और कितना भी समझा लीजिए, इसको नहीं मानना है, ये बस अपना रावण बनाने में ही, जितना भी घर में एक्स्ट्रा सामान था सारा इसने रावण बनाने में लगा दिया है। और अभी टाइम देख लीजिए, आज मेरा काम कितनी जल्दी ख़त्म हो गया, करेक्ट 11 बज रहे हैं।
काम क्या खत्म हुआ है, किचन का काम हो गया है और अभी किचन थोड़ा सा क्लीन करना बाकी है। थोड़ा क्लीन हो चुका है, जब बर्तन वगैरह वॉश हो जाएंगे ना तो पूरा किचन भी क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रावण बाजी फिर से शुरू हो गई। इतने सारे कमेंट आए थे उस दिन कि अब तो दिवाली आ गई है, अब कब तक तुम्हारे रावण बनते रहेंगे, पर इनके रावण बनना बंद नहीं होंगे। देखिए बराबर रावण बनाने में लगी हुई है। और ना इतने दिनों के बाद में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ब्लॉग शूट कर रही हूँ, बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैमरा ऑन करने के बाद में क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए, क्योंकि कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा चलिए, इधर काफ़ी टाइम हो गया है और जिस मतलब नवरात्र के पहले से ही मेरे ब्लॉग्स ही नहीं कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। कहीं तबीयत खराब, कहीं कुछ कहीं छोटी मोटी टेंशन, तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो बस आज थोड़ा हिम्मत करके मैंने सोचा लाइए, इतनी मेहनत करके अपने चैनल को बनाया हुआ है तो इसको खराब क्यों करना है। तो चलिए फिर शुरुआत तो हो ही चुकी है, अब इसके काम ये जो मेरा पड़ा हुआ है इसको मैं खत्म कर लूं, कपड़े वगैरह तय लगा के रख दूं। उसके बाद में ना मुझे गमलों वगैरह में मिट्टी अलट पलट करनी है और उसमें खाद वगैरह भी ऐड करनी है, गुलाब की पौध भी लगानी है और कुछ प्लांटर्स हैं जिनको हैंग करना है, तो वो सारा कुछ भी मुझे करना है। काफ़ी सारा काम है, त्योहार के टाइम पे ना काम बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आप लोगों को एक्स्ट्रा वॉइस आ रही होगी ना बैकग्राउंड से, क्योंकि बगल में स्कूल है ना तो वहाँ से आवाज़ आ रही है बच्चों की। अभी इस टाइम स्कूल चल रहा है, 11:30 बजे स्कूल ख़त्म होता है। चलिए मैं यहाँ पर ये वाला काम भी कर लेती हूँ, कपड़े सब लगा देती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि कपड़े लगाते लगाते ही ना मेरे अचानक से फिर से पेन उठ गया था, जिस वजह से ना मुझे कपड़े लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो वैसे ना आधे कपड़े मैंने अच्छे से लगा के रख लिए थे और आधे से ज़्यादा मेरे छूट गए थे, क्योंकि ना मेरे एकदम से दर्द उठ गया, फिर मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो पाई और ना ही इसके बाद मैं आप लोगों के साथ में अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू कर पाई। तो मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहूँगी, क्योंकि बस मेरी कोशिश है कि मैं रेगुलर ब्लॉग किसी भी तरह से आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ, क्योंकि मेरा एक तो बनाने का मन भी नहीं होता है बिल्कुल भी, और जैसे तैसे कुछ करने का सोचो भी ना तो उस पर मेरी तबीयत पहले ही बीच में आ जाती है। तो बस मेरी एक कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ में मैं अपने ब्लॉग्स किसी भी तरह से छोटे छोटे से बना के अपलोड कर सकूं। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। आपको किसी भी रीज़न में आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आते हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आप लोग ब्लॉग्स रेगुलर वॉच कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।